पिच पर स्कोरिंग वाला मैच देखने को मिल सकता है। तो भाई तुम समझे, मतलब 150, 160, 170, 70 रन अगर तुमको 20 ओवर में दिखाएगा कि 20 ओवर में इतना बन पाएगा कि नहीं, तो तुम लोग क्या कर। अब हम तुमको जैसे ही बोला हूँ कि देता हूँ प्लेयर प्रेडिक्शन आज के मैच में, कौन बंदा जो है 25 रन मार के जाएगा, तो इस पे तो यस कर लो भाई, इन दोनों पे इन चारों पे यस कर लो भाई, कुछ पैसे कमा लो। यहाँ पे देख लो पहले प्लेयर प्रेडिक्शन इंडिया, जो ये इंडिया के आज के प्लेयर है, जो देखो भाई ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे या टू एंड बैटिंग करे, कोई डिफेंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा भाई, जो प्लेयर लिख दिया उस पे जाके यस मार लो भाई। देखो रोहित शर्मा आज 25 रन मार के जाएगा, हाँ यस मार के जाएगा, कितना 25 रन, यस मार देना। फिर यहाँ पूछेगा शुभमन गिल 25 रन मार के जाएंगे, हाँ यस मार के जाएंगे। फिर अब इसके ऊपर का तुम लोग समझ ले रहे हैं, 25% मैं 100% बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ इन दोनों बंदे आज मार के जाएंगे। आज ना भाई द कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल यही रहेंगे भाई। देखो पहले पांच प्लेयर है ना, पहले तुम इनका नाम सुन लो, फिर इन्हीं पांचों में से तुम किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करके आज क्या करोगे भाई, पैसा कमा लोगे। देखो भाई नाम सुन लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, राशिद खान, आर गुरबाज। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, या फिर देखो मैं तुम लोग को अपनी सजेशन दे सकता हूँ, ये रोहित शर्मा अगर पहले इनिंग में बैटिंग करता है तो भाई ये बेस्ट कैप्टन करने में बेस्ट चॉइस है। प्यारे भाई क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ जाओ मस्त हो स्वस्थ हो। लेकिन भाई देखो एक बात से मैं बहुत नाराज हूँ भाई, तुम लोग यार मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे भाई, कर लो भाई। मैं अपनी विनिंग शेयर करता हूँ, अपना लॉस शेयर करता हूँ, अपनी प्रॉफिट शेयर करता हूँ, अपनी फाइनल टीम वही देता हूँ। तो भाई ज्वाइन कर लो, या स्क्रीन पे देखो मेरा दिख रहा होगा, या फिर नहीं तुमको समझ में आ रहा था, या देखो साइड कॉर्नर में मेरा लोगो आ रहा है, उस पर नाम पढ़ो अनुराग क्रिकेट एक्सपर्ट, और जाओ टेलीग्राम पे उसको सर्च करो, मेरा नाम आएगा, मुझे फॉलो करो भाई, और पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि जितना ये T20 का मैच चल रहा है भाई, देखो कौन सा T20 मैच है, फर्स्ट T20 मैच चल रहा है भाई, स्टार्ट हो गया, जिसका हम लोग को सर्विस इंतजार था। तो जाओ इस महीने मुझे ज्वाइन करो, इस महीने मुझे ट्राई करके देखो, हर्ष से लेके पर्स तक पहुंचा दूंगा, इतनी गारंटी रखता हूं तुमको। तो चलो भाई वीडियो में कोई बकवास कोई फालतू स्टेटस है, लेकिन हाँ भाई सुनो ये भी जरूरी है, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, सही बता रहा हूँ भाई, तुम मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, तुम्हारे लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। जब तक फैंटेसी जिंदा है, क्रिकेट जब तक इंडिया में है, तब तक तुम्हारे लाइफ में कभी पैसे, आपको यहाँ पे बता देंगे भाई, उससे हम सिखा देंगे आपको, आप अपने से खुद ऐसी टीम बना लोगे, आप खुद दूसरों को टक्कर दे सकते हो, इतनी सारी ज्ञान दे दूंगा। तो भाई ज्ञान लो, किसी का भी चीज़ का ज्ञान बर्बाद नहीं जाता, पढ़ाई से लो, क्रिकेट से लो, कबड्डी से लो, मतलब आई थिंक किसी भी चीज़ से तुम ज्ञान लो, अगर ज्ञान से तुम अगर नॉलेज से जो चीज़ कर रहे हो वो कभी ख़राब नहीं जाती है, ना ही बैठ जाती है। तो चलो भाई अब तुम लोग को समझ गए, इतना मोटिवेशनल काफ़ी था, तो चलो भाई आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज का मैच कौन सा है भाई, ये फर्स्ट T20 मैच किसके किसके बीच में हो रहा है भाई, सुन लो, देखो कौन है, इंडिया, ठीक है, फिर एक बार और देख लो, मतलब ये कौन सा, इंडिया वीएस अफगानिस्तान, फर्स्ट T20 मैच स्टार्ट हो गया भाई। चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का स्क्वाड, इंडिया के आज के मैच में प्रोबर 11 प्लेयर आज के मैच में कौन कौन रहने वाले, तो हम आज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलो भाई वीडियो को देखो, हम बात कर लेते हैं इंडिया के प्रोबर 11 टीम न्यूज के बारे में। देख लो भाई, तो यहाँ बात सुनो, देखो भाई रोहित शर्मा का मैं तुमको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, अगर देखो रोहित शर्मा अगर देखो भाई फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है, तो भाई फर्स्ट इनिंग में बंदा बहुत अच्छा करता है, बहुत मारता है, मारते मारते पागल बना देता है, इतना मारता है कितना, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय जब ये पहले इनिंग बैटिंग करेगा, तो भाई रोहित शर्मा पे 25 रन का सेशन तुम लोग क्या करना, यस कर देना भाई, आंख बंद कर देना, ठीक है। और देखो छोट ये अफगानिस्तान के सामने बहुत मारेगा, बहुत मारता भी है फर्स्ट इनिंग में, फिर देखो रोहित शर्मा यस कर देना। शुभमन गिल भाई इस समय देखो, शुभमन गिल अपने पुराने वाले फॉर्म में आ रहा है, तुमको रोहित शर्मा के मैं नॉलेज दे, देखो रोहित शर्मा अगर फ्लॉप, मतलब ये शुभमन गिल अगर फ्लॉप जाता है ना भाई, तो हर मैच में फ्लॉप जाता है, अगर ये किसी भी मैच में 20 रन 25 रन 30 रन मार के आउट होता ना, तो भाई समझ लो इसका फॉर्म अभी बरकरार है। तो भाई हर मैच में बंदा मारता रहता है, तो समझ लेना, ठीक है, तो देख लेना। फिर इसको हम बात कर लेंगे विराट कोहली भाई, देखो विराट कोहली फर्स्ट इनिंग भी बेस्ट है और टू एंड इनिंग भी बेस्ट है, क्या करने के लिए, 25 रन का सेशन क्या करने के लिए, यस करने के लिए भाई बेस्ट है, खूब पैसा लगा भाई, इतना पैसा छाप लेना, माँ कसम बताऊँ राजा बांध लेना, इस मैच में इतना कमा लेना कि पूरे मैच को कवर कर लेना, मैं भी यही करूँगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं तिलक वर्मा, देखो भाई तिलक वर्मा पे सही बता रहा हूँ, अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, तिलक वर्मा ज़्यादातर फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है,
फर्स्ट इनिंग में मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा, लेकिन टू एंड इनिंग में अगर ये बैटिंग करता, दूसरे इनिंग में जब ये तिलक वर्मा, कौन है तिलक वर्मा भाई, बैट्समैन है, नाम सुन लो, काम देख लो भाई, ये तिलक वर्मा दूसरे इनिंग में बैटिंग करेगा तब इस पे क्या करना, 25 रन का सेशन तुम लोग यस करना, नहीं तो क्या करना, नॉट मार देना, नॉट मार देना। अगर ये पहले बैटिंग करेगा तो क्या करना, तिलक वर्मा पे 25 रन का सेशन तुम लोग नो मार के पैसा छाप लेना, मैं खुद छापूंगा। फिर हम बात कर लेते हैं संजू सैमसन भाई, देखो रिंकू सिंह का तुम लोग को मैं बता दूं भाई, रिंकू सिंह जो होता है ना, पहले जब ये पहले बैटिंग करता है, मतलब स्टार्टिंग में अगर ये बैटिंग करता है तो भाई ये धीरे धीरे खेलता है, और जब ये देखोगे सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है भाई, खूब तेज तरार पारी मार, मतलब रन के पीछे पागल रहता है। तो भाई तुम इसका समझ लेना, देखो अगर पहले इनिंग में बैटिंग करेगा तो धीरे धीरे खेलेगा, मतलब डबल दुग्गी सिंगल चौका, अगर ये दूसरे इनिंग में आ गया बैटिंग करने भाई, रन बहुत मारेगा, पहले बता रहा हूँ। इसीलिए पहले इनिंग में अगर रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो 25 रन का सेशन तुम लोग क्या करना, नो मार देना भाई, नो नो नो, कितना 25 रन नो मार दो, ठीक है। इस पर रिंकू सिंह पे सेशन बता रहा हूँ, 25 रन अगर ये फर्स्ट बैटिंग करता है तो इस पर क्या मार देना, नो मार देना भाई, समझ गए। अगर ये अगर दूसरे इनिंग में टू एंड इनिंग में अगर बैटिंग करेगा तो क्या मारना है, यस मार देना, कितना 25 रन। देखो भाई थोड़ा गोजा हो गया है, मैं भी गोज दे रहा हूँ, लेकिन देखो तुम लोग एडजस्ट करो, समझ लो सब पैसा है, जितना है ना सब पैसा है, तो तब तुम लोग को समझ जाओगे। फिर अब अक्षर पटेल भाई, दोनों इनिंग बेस्ट है, बॉलिंग भी कराएगा बैटिंग भी करेगा तो अच्छा ही है। अर्शदीप सिंह भाई देख रहे हो, विकेट छक्का है, फार्म में चल रहे है, इनका क्या ही कहना, लेकिन ये इंडिया के मेन बॉलर है तो भाई इनको अपने टीम में रखना, ठीक है, बहुत जरूरी है। फिर यहाँ मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, ये हो गई हमारी इंडिया की प्लेइंग स्क्वाड। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की प्रोबल प्लेइंग टीम न्यूज़ के बारे में, लगे हाथ यार देख लेते अफगानिस्तान प्लेइंग 11 टीम न्यूज, अफगानिस्तान की कौन सी स्क्वाड आज के मैच में उपलब्ध है, तो देखेंगे भाई इब्राहिम जाडन, आर गुरबाज, देखो भाई आर गुरबाज के मैं बताऊं, अगर आर गुरबाज ऐसा प्लेयर है ना भाई, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है भाई तो इसका सेशन 25 रन तुम लोग क्या करना, यस करना, ये बैटर है, बैटर बहुत मारता है। ये भी देखो आर गुरबाज फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करता है तो 25 रन का सेशन तुम लोग यस करना। आई थिंक अगर फर्स्ट इनिंग नहीं करेगा, टू एंड इनिंग करता है तो क्या करोगे, नो मार देना। अगर ये टू एंड इनिंग बैटिंग करेगा तो क्या 25 रन का सेशन जो है तुम लोग क्या करना, नो मार देना, ठीक है। इस पे मुजीबुर रहमान, फिर एच जाई तो भाई नाम है नहीं समझ। फिर रामत शाह भाई, देखो रामत शाह भी आज इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग भी भाई कॉन्सिस्टेंसी वाला प्लेयर है, अच्छा खेलता है, ज़्यादा मतलब हवा में नहीं मारता है बॉल, मतलब ज़्यादा मतलब रिक्स नहीं लेता है, तो बिना रिक्स वाला है, तो टू एंड इनिंग में भी इसको अच्छा बोल सकते हैं, और फर्स्ट इनिंग भी अच्छा, किसको, रहमत शाह को, तो भाई इसको तुम लोग जाके 25 रन का सेशन अभी बोल रहा हूँ, अभी जाके यस मार दो। ये देखो 25 रन का सेशन किस पे, रहमत शाह पे जाके यस भाई, 25 रन आज की ये बंदा है ना कन्फर्म मारेगा, ठीक है। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ कि भाई एनर्जी है, बाल वाल देखो कटवा लिए, हीरो बन गए थोड़ा। देखो फिर हमें आवाज, नाजीमुल्ला जाडन भाई, ये भी बेस्ट पिक रन लगे भाई, मोहम्मद नाबी, ये भी भाई ऑलराउंडर का रोल करता है, इसका ऑलराउंडर का, तो भाई देख सकते हो अपना अहम भूमिका निभाएगा। ए उमर जाए, फिर बात करेंगे राशिद खान भाई, आज के मैच में अगर राशिद खान टू एंड अगर बॉलिंग करा गया, दूसरे इनिंग में अगर बॉलिंग करा गया, ठीक है, तो सही बता रहा हूँ, बहुत विकेट लेगा, कम से कम 2 विकेट से तो लेगा ही, अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग कराता है कौन, राशिद खान, तब ये दूसरे इनिंग में दो विकेट तो कंफर्म लेके जाएगा। फिर हमें बात की मुजीबुर रहमान, नवीन उलक, आज इसकी बहुत पिटाई होगी भाई, जिसकी नवीन उलक की, अगर भाई ये अगर ये पहले बॉलिंग करा गया ना भाई, अगर ये कौन नवीन उलक अगर पहले बॉलिंग कराता है तो भाई इसको आज बहुत पीटेंगे, सब बहुत पीटेंगे, इसीलिए इसको मत रखना, किसको, नवीन उलक को आज के मतलब मैच में हम तो कहूँगा तुम इसको ड्रॉप कर दो, आज इसकी बहुत पिटाई होने वाली भाई, जिस तरह का माहौल और भाव मैं बता रहा हूँ, आज की इसकी नवीन उलक की बहुत पिटाई होगी आज, अपने टीम में रखना, रख ले कैप्टन वाइस कैप्टन तो एकदम मत चूज करना, ठीक है, क्योंकि आज इसकी बहुत पिटाई होगी, किसकी, नवीन उलक की। फिर हम बात कर लेंगे फजल हक, ये हो गया हमारा अफगानिस्तान का प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज। अब क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे, कोई फालतू बकवास, कोई स्टेटस नहीं, अब हम आपको बता देते हैं पिच रिपोर्ट भाई, ये जो मैच हो रहा है किस पिच पर हो रहा है, इस पिच का क्या रहता है, इंपॉर्टेंट बॉलर को मदद मिलता है, बैट्समैन को मदद मिलता है, कब पिच धीमी होती है, कब पिच ज़्यादा बाउंस करती है, उछाल के, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं और आपको पिच के बारे में ढेर सारा नॉलेज ज्ञान दे देते हैं।
भाई अब हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट। भाई पिच रिपोर्ट क्या कहता है भाई, यहाँ सुन लो। देखो ये कौन सा पिच है जहाँ मैच हो रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान का जहाँ मैच हो रहा है। फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच कौन सी पिच है? पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बिंद्रा स्टेडियम। कहाँ है ये बिंद्रा स्टेडियम? भाई पंजाब में ये मैच हो रहा है। तो भाई इसका पिच रिपोर्ट देख लो भाई, इस पिच पर क्या अहम भूमिका रहती है तो हम बात कर लेते हैं। यह पिच पर बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है, यह पिच जो है बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है, ठीक है, समझ गए। पॉइंट फिर यह पिच पर स्कोरिंग वाला मैच देखने को मिल सकता है। तो भाई तुम समझे, मतलब 150, 160, 170 रन अगर तुमको 20 ओवर में दिखाएगा कि 20 ओवर में इतना बन पाएगा कि नहीं, तो तुम लोग क्या कर रहे हैं, यस कर देना, ठीक है, यस कर देना इतना। फिर हम बात करें यह पिच पर जो टीम टॉस जीतती है वो टीम मैच भी जीत जाती है। भाई ये सुन लो, जो इस पिच पर भाई टॉस का बहुत अहम भूमिका रहता है। इस पिच पर जो टीम टॉस जीती है भाई वो मैच ऐसे ही जीत कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यह पिच पर शुरू में तेज गेंदबाज को कुछ मदद मिलता है। इस पिच पर जो शुरू में मतलब शुरू के 6 ओवर बोल सकते क्या, शुरू के 6 ओवर में ही तेज गेंदबाज को ही मदद मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पिच का, जो ये पिच है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बिंद्रा स्टेडियम जो पिच है, इसका स्कोरिंग पैटर्न क्या है, इस पर कितने रन बनते हैं, कितने चेस हुए थे, हम आपको ये सब के बारे में डिटेल दे देते हैं, ठीक है। ओहो मेरे लाल चमक छन छबिलो, यहाँ देख लो स्कोरिंग पैटर्न जो ये पिच है पंजाब का, इस पर कितने मैच अभी तक हुए, टोटल मैच अभी तक केवल 6 मैच अभी तक किसके T20 के मैच हुए हैं, बस अभी तक 6 मैच केवल खेले गए T20 के। पहले यहाँ देख सकते हैं वन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने कितने बार मैच जीत के लिए, 2 बार जीत दर्ज के लिए। फिर हम बात करेंगे बॉलिंग फॉर बॉलिंग वन बॉलिंग फर्स्ट, मतलब बॉलिंग करने वाली टीम ने कितने बार मैच जीत दर्ज के लिए, 4 बार। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर कितना रहता है, भाई फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर पहले इनिंग का भाई 190 रन रहता है। जिस हिसाब से टीम मारती है रन इस पिच पे ना, उस पर लगता है कि 190 बनेगा, इसके ऊपर ही बन सकता। फिर हम बात करें टू एंड इनिंग एवरेज दूसरे इनिंग का भी देख लो भाई, 150 मतलब 150 के ऊपर ही रन बन रहा है। तो जो बोला हूँ पीछे वीडियो जाके देखाओ, सेशन बोला हूँ सेशन, यस कर लो कितने रन बनेंगे 20 ओवर में, यस कर लेना। फिर हम बात करें लोवेस्ट टोटल स्कोर इस पिच पर, सबसे घटिया खराब स्कोर कितना, 140 भाई, लोवेस्ट स्कोर 140 का है। 150, 160, 170 तो आराम से बनेगा भाई, एकदम कॉन्सिस्टेंसी है। फिर हम बात करेंगे सबसे देखो हाईएस्ट टोटल स्कोर इस पिच पर कितना रहा है, 220 रन केवल 4 विकेट के नुकसान पे। ये तुम देख लो भाई स्कोरिंग पैटर्न देख लो, समझ लो ध्यान से देख लो। चलो भाई अब हम बात कर ले एकदम कन्फर्म आज के मैच में, प्लेयर प्रेडिक्शन कर देते हैं भाई, क्या प्लेयर प्रेडिक्शन कर देते कि आज के मैच में कौन बंदा या फिर कौन बंदी, लड़का या फिर लड़की, कौन मतलब कौन आज के मैच में 25 रन मार गया, कन्फर्म हम बात कर लेते हैं आज के बारे में, आपको देते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन। अब हम तुमको जैसे ही बोला हूँ कि देता हूँ प्लेयर प्रेडिक्शन, आज के मैच में कौन बंदा जो है 25 रन मार के जाएगा, तो इस पर तो यस कर लो भाई, इन चारों पे यस कर लो भाई, कुछ पैसे कमा लो। यहाँ पे देख लो पहले प्लेयर प्रेडिक्शन इंडिया, जो ये इंडिया के आज के प्लेयर है, जो देखो भाई ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे या टू एंड बैटिंग करे, कोई डिफेंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई जो प्लेयर लिख दिया उस पे जाके यस मार लो भाई। देखो रोहित शर्मा आज 25 रन मार के जाएगा, हाँ यस मार के जाएगा, कितना 25 रन, यस मार देना। फिर यहाँ पूछेगा शुभमन गिल 25 रन मार के जाएंगे, हाँ यस मार के जाएंगे। फिर अब इसके ऊपर का तुम लोग समझ लेना, 25% मैं 100% बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ इन दोनों बंदे आज मार के जाएंगे आज के मैच। फिर हम बात करते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन अफगानिस्तान के प्लेयर आज के मैच में 25 रन मार के जाएगा कौन, नाम सुन लो, आर गुरबाज, अगर ये पहली बैटिंग है सेकेंड लेकिन 25 रन मार के जाएगा, क्या करना, यस कर देना, खूब एकदम अच्छा खासा पैसा छाप लो। फिर हम बात करें रामत शाह भाई भी आज के मैच में तभी मारेगा जब ये टू एंड बैटिंग करेगा, तब जाके इसको यस कर लेना, टू एंड इनिंग में यस करना, नहीं तो नो मार देना, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेयर प्रेडिक्शन, दे दिया आपको ताबड़तोड़ खतरनाक लाजवाब दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल यही रहेंगे भाई। देखो पहले पाँच बंदा जो ये पाँच प्लेयर है ना, पहले तुम इनका नाम सुन लो, फिर इन्हीं पांचे में से तुम किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करके आज क्या करोगे भाई, पैसा कमा लोगे। देखो भाई नाम सुन लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, राशिद खान, आर गुरबाज, भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। या फिर देखो मैं तुम लोग को अपनी सजेशन दे सकता हूँ, ये रोहित शर्मा अगर पहले इनिंग में बैटिंग करता है तो भाई ये बेस्ट कैप्टन करने में बेस्ट चॉइस है। सुमन गिल अगर
अगर पहले ही बॉटिंग करता है तो भाई ये भी बेस्ट चॉइस है। तो तुम देख सकते हो रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर दोनों बैटिंग करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों बेस्ट है, बाकी सब तुम अपना देख सकते हो भाई तुम्हारा। अब विराट कोहली तो भाई मस्तिष्क प्लेयर है, फिटनेस है, मेंटेनेंस है भाई, एकदम सब लचा लच है पूरा देख लो। चलो आज की वीडियो को रखते हैं, मिलते फिर किसी नए मतलब फिर ताजा वीडियो के साथ, तब तक ले जाए बंदे मतलब लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, ला ला।